भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खलखलिया नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले आपदा मित्र ने शव को नदी से खोजकर बाहर निकाल लिया। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उदेशी गांव के निकट चाना नदी पार करने के दौरान बीते शुक्रवार को एक व्यक्ति नदी के तेज धार में बह गया, जिसकी जानकारी शनिवार को आपदा मित्र को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने काफी खोजबीन के बाद शनिवार को मृतक का शव बरामद कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार को ही एक व्यक्ति के नदी में डूब जाने की जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन रात होने के कारण एसडीआरएफ टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा शनिवार की सुबह इलाके के ही आपदा मित्रों को इसकी सूचना दी गई और काफी खोजबीन के बाद घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर शव बरामद कर लिया गया। जबकि इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर निवासी 45 वर्षीय पिंटू राम के रूप में हुई है, जो अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकला था और खलखलिया नदी तैर कर पार करने के क्रम में पानी के तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि नदी के उस पार मृतक का साला अनिल राम उसका इंतजार कर रहा था, जबकि मृतक की मां का कहना है कि उसका पुत्र बलि का प्रसाद खाने ससुराल जा रहा था। मृतक की मां ने बताया कि पिंटू मजदूरी का काम करता था और उसे दो पुत्र और दो पुत्री भी है, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी भी लग चुकी है। इधर आपदा मित्र द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए जगदीशपुर अंचलाधिकारी सुजीत कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद ने आपदा मित्रों को पुरस्कृत करने की बात कही है। भागलपुर समेत जिले के विभिन्न इलाकों में डेंगू और मौसम जनित बीमारियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और गंगा घाट चौक बाजार में स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वच्छता ही सेवा के मंत्र के साथ सलाहकार रोहित राज के नेतृत्व में सभी पंचायतों के स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक की ओर से युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान भागलपुर जिला सलाहकार रोहित राज ने बताया कि डेंगू और अन्य बीमारी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही है, जिसकी रोकथाम के लिए गंगा घाट चौक बाजार से नमामि गंगे घाट तक युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छता ही सेवा है बीमारी जानलेवा है का नारा लगाते हुए कूड़े कचरे को एकत्रित कर साफ सफाई की गई। उन्होंने कहा कि सूखा कचरा एवं गीला कचरा को अलग अलग एकत्रित कर WPO में संग्रह किया जा रहा है, जिसके बाद इसका प्रबंधन कर प्लास्टिक को अलग कर प्लास्टिक कचरे को PWMU में पहुंचाया जाएगा। वहीं साफ सफाई अभियान में नवादा पंचायत के पर्यवेक्षक अनुरंजन कुमार, मिरट्टी के विपिन कुमार, अभिषेक कुमार, सुलेखा भारती समेत काफी संख्या में स्वच्छता कर्मी ने अपनी सेवा दी। इसके अलावा स्वच्छता अभियान में नवादा पंचायत के मुखिया वंदना रानी के द्वारा विभिन्न जगहों पर स्वच्छता कर्मी के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। सरकार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे भारत में किया जा रहा है। इसके तहत आज हम लोग भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नमामि गंगे घाट पर सभी स्वच्छता कर्मियों के साथ यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर दुकान के साथ हम लोग मिले हैं। मिलने के बाद लोगों को बोले हैं कि आप कचरे जो है डस्टबिन में रखें और इधर उधर कचरे ना फैलाएं, इससे तमाम बीमारियाँ होती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भागलपुर में ये डेंगू का कहर है या टाइफाइड का कहर है या गंदगी ओपन में फेंकने से ही ऐसा बीमारी फैल रहा है, तो लोगों को इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर है कि प्लास्टिक हम लोग हमारे स्वच्छता कर्मियों को टीम के द्वारा प्लास्टिक इकट्ठा किया जा रहा है WPU के माध्यम से। PWM यहाँ अभी बना नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठा संग्रहण करके कुछ कबाड़ी वाले से बेचा गया है और फिलहाल अभी PWM पे कार्य हो रहा है। वहाँ पर फिर बाद में सभी प्लास्टिक वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से फिर निस्तारण किया जाएगा।
भागलपुर में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है और रोजाना डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि होने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर वी केयर संस्था की ओर से रविवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 44 रक्तवीरों ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर को लेकर वी केयर के अध्यक्ष रिशांत श्रीवास्तव ने कहा कि रक्तदान महादान है और ऐसा करके हम कई लोगों के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं, जो सच्ची मानवता का कार्य है। रिशांत ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में रक्तदान के लिए आगे आकर हम सभी डेंगू पीड़ितों के रक्त की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, जिससे किसी को भी रक्त की कमी से अपना जीवन नहीं गंवाना पड़े। रक्तदान शिविर में संस्था के रवि वशाक, सोहन सोलंकी, गोल्डन सिंह, पीयूष आर्या, ललिता मोहरा समेत कई सदस्य और युवाओं ने रक्तदान किया। मौके पर संस्था के संरक्षक गौतम चौबे, संस्थापक कुश मिश्रा, अभिषेक गोस्वामी के अलावा कई सदस्य और रक्त अधिकोष की टीम मौजूद रही। जैसा कि आप सभी को पता है, डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है हमारे भागलपुर शहर में। इसके लिए ब्लड बैंक में प्लेटलेट की काफी कमी है, जिसको देखते हुए आज हमारी संस्था वी केयर के द्वारा आज रक्तदान शिविर मायागंज के ब्लड बैंक में लगाई गई, जिसमें आज कुल 44 यूनिट हम लोगों ने रक्त संग्रह किया। भागलपुर के नाथनगर कांवरिया संघ का जत्था रंग बिरंगे और मनमोहक कांवर के साथ सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम पहुंचा, जहां उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पुरुष महिला और युवक युवतियों के कांवरियों का जत्था उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान नाथनगर कांवरिया संघ के कांवरियों ने मंत्रोच्चार के साथ अजगैबीनाथ की पूजा अर्चना की और वहां से पैदल बैजनाथ धाम एवं वासुकीनाथ धाम की यात्रा शुरू की। वहीं ढोल नगाड़े एवं बाजे गाजे के साथ नाचते झूमते हुए कांवरियों ने बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाया। इसको लेकर नाथनगर कांवरिया संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि पिछले 102 वर्षों से उनके पूर्वजों द्वारा अजगैबीनाथ धाम से शुरू की गई पैदल बैजनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी है, जबकि सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं एवं देश में सुख शांति के लिए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 32 नए डिजाइन के कांवर के साथ 7,000 कांवर यह अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर ढोल बाजा और डीजे लेकर नाचते झूमते रवाना हुए। मौके पर कांवरियों के जत्थे में कांवरिया संघ के सदस्य वकील सा परमानंद कुमार, सुमन कुमार और राजीव पंडित समेत हजारों की तादाद में कांवरिया शामिल थे। 1916 से कांवर यात्रा चल रहा और हम लोग 38 टोटल कांवर, बड़े बड़े कांवर जो है 38 कांवर है और हम लोग का 107वां साल है और हर एक साल प्रत्येक साल लगभग पूरे 9000% से 9000 भागलपुर प्रखंड से हम लोग 5000 आदमी के जत्था लेके चलते हैं। हम लोग को पुरखों से चले आ रहे हैं, हम लोग बाप दादा परदादा से चले आ रहे हैं, इसी को हम उसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। 102 वर्ष पुराने से हम लोग जा रहे हैं। तो इस बार जो कांवर है हर साल इसी तरह जाते हैं, हर साल इसी तरह जाता है। इस बार हम लोग का 5 सेट रहती, 3 डीजे है, 1 बैंड पार्टी है और 1 ताशा पार्टी है, 5 सेट बाजा है और हम लोग जो 32 कांवर टोटल 32 कांवर लेकर के पैदल नाथनगर से निकले हम लोग ये बाबा बैजनाथ धाम तक पैदल ही जाएंगे कांवर लेकर के। तो इस तरह से आप लोग जो नाचते झूमते हुए जा रहे हैं बाबा के दरबार, इस बार क्या बाबा से मांगेंगे? बाबा हम लोग को हर चीज पूरा करते हैं और करते आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग बाबा के दरबार जाते हैं और इसी तरह नाचते कूदते हर साल से जा रहे हैं। 102 साल पुराना हो रहा है, हर साल जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं, अभी भी बाबा पूरा करवे करेंगे। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से है। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं, लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। बिहार प्रादेशिक मड़वाड़ी सम्मेलन की ओर से संगठन के अंग प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
भागलपुर श्री गौशाला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार प्रादेशिक मड़वाड़ी सम्मेलन के प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल ने मौजूद समाज के लोगों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में बिहार प्रादेशिक मड़वाड़ी सम्मेलन अंग प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी केजरीवाल, संयोजक सुनील जैन, रोहित बाजोरिया, लक्ष्मी नारायण डोकानिया, डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार समेत कई लोगों ने अपनी बात रखी। वहीं युगल किशोर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए संगठन का मजबूत होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समाज में फैली कुरीतियां अभिशाप है और इसे मिटाने के लिए सभी को जागरूक होकर कार्य करना होगा। इसके लिए वे लगातार अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष अमर कुमार ददलान, अशोक भिवानीवाला, अभिषेक जैन, मनीष सर्राफ समेत काफी संख्या में सम्मेलन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।